सो वेलकम बैक एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका एक नए माइनक्राफ्ट एपिसोड में। और हम हैं अपने प्यारे से घर में जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में बनाया था, और ये है मेरी प्यारी सी कैट जिसको मैंने पहली बार टेम किया। मैं जाता हूँ थोड़ा फिशिंग वगैरह करके, मछली वछली पकड़ के इसको खिलाता हूँ, बिकॉज़ ये काफ़ी प्यारी बिल्ली है। लाइक बोलते हैं ना, जैसे दिल सा आ जाता है। एंड थोड़ा सा एंड फिर से थोड़ा सा शायद वेट करना पड़ेगा मछली के लिए। ये रही, मिल गई। एंड आई थिंक इतना एनफ होगा अभी के लिए। एंड ये लो बिल्ली, प्यारी बिल्ली, ये लो मछली। वैसे बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि नीचे का एक बेस बनाने के लिए, क्योंकि वो घर जो है वो ऊपर में दो फ्लोर्स है और नीचे कुछ है ही नहीं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। एंड मैंने इसलिए सोचा कि इस वीडियो में हम थोड़ा अपना नीचे का बेस बनाएंगे, ताकि थोड़ा और कॉन्क्रीट हाउस लगे। और कितना अच्छा लग रहा है लोकेशन, यहाँ से देख सकते हो तुम लोग। तो ऑल राइट, देखते हैं यहाँ पर मैं कैसे बना सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये पूरा बिल्ड करने में, तो मैं ऑब्वियसली इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। ये फास्ट फॉरवर्ड में भी कितना टाइम लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। और जितने लोग भी बोल रहे थे ना क्रिएटिव में बनाया है या ये करके बनाया है, देख लो ये तुम लोगों के लिए है, ठीक है। ये लाइव बना रहा हूं मैं, ये फास्ट फॉरवर्ड में भी कितना लंबा लग रहा है यार, मैं क्या करूं। आई एम सो सॉरी। अरे यार ये फास्ट फॉरवर्ड में भी कितना लेंथी लग रहा है। आई एम सो सॉरी इसको बोरिंग बनाने के लिए, बट काफ़ी लोग हैं जो बोल रहे थे कि भाई तू क्रिएटिव में बना रहा है, भाई तू चीटिंग कर रहा है। तो हेयर इट इज़, तुम लोगों के सामने बना रहा हूँ, देख लो। एंड ये बेस बनने के बाद मेरे पास प्रॉपर 3 फ्लोर वाला घर होगा। एंड इतने बड़े घर में मैं और मेरी बिल्ली सिर्फ अकेले रहेंगी। या दैट्स माई फैंटेसी हाउस। तो अब ऑलमोस्ट इसका सांचा बन चुका है, तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा दिखने वाला है बनने के बाद। एंड मैं थोड़ा सा अभी फ्लोरिंग में काम करूंगा, फ्लोर बनाऊंगा इसका, एंड देखते हैं क्या होता है। ये रहा मैं अपने घर के अंदर। यहाँ पे मैंने विंडोज लगा दूँ ग्लासेस से। फाइनली ये बन चुका है, एंड ये काफी सुंदर लग रहा है बाहर से। अब इसके अंदर जाके देखते हैं। ओ यस, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। खैर अभी कुछ है नहीं, अभी घर में मैंने कुछ रखा नहीं है। करेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे घर भर जाएगा अपना। मैं सोच रहा था लाइब्रेरी वगैरह बनाऊंगा, यू नो एन्चेंटमेंट्स ये सब वगैरह, तो अभी तो नहीं। अभी मैं पहले टॉर्चेस लगा दूँ। पिच डार्क हो जाता है रात के टाइम, एंड काफ़ी ज़ॉम्बीज एंड स्पाइडर्स स्पॉन होते हैं। मेरा घर पूरा बन चुका है, एंड अब है दूसरा काम, वो है एक फार्म बनाना, ताकि मुझे खाने का सप्लाई मिलता रहे। और ये मैंने बना लिया है अपना वुडन हो। एंड इससे मैं ग्राउंड को यू नो ये करके वीट सीड्स लगा सकता हूँ। और ये रहा, और मेरे पास कुछ वीट सीड्स पड़े हुए हैं। लेट मी सी,
अरे यार, ये मेरे पास दो ही वीट सीड्स थे, मुझे और भी चाहिए होंगे। अरे यार, ये रात हो गई, पहले मैं यार टॉर्चेस बना लूँ। टॉर्चेस बहुत ज़रूरी है, और मैंने कमेंट्स में भी बहुत लोगों से सुना, एंड कमेंट्स में भी बहुत लोग बोल रहे थे भाई टॉर्चेस लगा टॉर्चेस लगा। तो मैं टॉर्चेस लगा देता हूँ, नहीं तो अभी रात हो गई है तो काफ़ी परेशानी होगा रात के टाइम। हर जगह मॉन्स्टर्स, मैं हर जगह टॉर्चेस लगाने वाला हूँ गाइज, घर के हर जगह मैं टॉर्चेस लगाने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर या जॉम्बी स्पॉन नहीं होना चाहिए। अरे वाह, अपना घर ग्लो कर रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अरे यार, ये स्केलेटन, मैंने बोला ना, इतना बड़ा जगह छोड़ के, इतना बड़ा ये छोड़ के तुझे यही आइलैंड मिला है यहाँ पे आने के लिए। देखो इन, अरे यार क्या है ये, स्केलेटन ने मार दिया साले ने, और वहां पे मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। इतना बड़ा जगह छोड़ के इसको यही आइलैंड मिला है, यहाँ यहीं पे आके इसको अपने करतब दिखाने हैं। ये लो, इसको आग लग गया, देखो इसको भाई, फट मत जाना क्रीपर की तरह, काफी मेहनत से बनाया मैंने नीचे वाला पोर्शन, ये देखो। अरे यार, मैंने आयरन और फेंक दिया इसके चक्कर में, कहाँ गए कहाँ गया। अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, साले को मारूंगा मैं पकड़ के, मर साले मर। अरे वाह, इसे, अरे कोई नहीं, इससे मुझे बोन मिल गया। ये बोन कहाँ गया? हाँ, ये बोन, मैं एक डॉग को भी शायद टेम कर सकता हूँ इस बोन से। थैंक यू स्केलेटन, या मैं इस स्केलेटन का भी बोन लूंगा। तू भी कहाँ बचेगा साले, तुझे भी चुन चुन के मारूंगा। तूने इसी ने मुझे मारा था शायद। और ये मिल गया शायद मुझे दूसरा बोन, नहीं मिला यार, छोड़ जान दे जान दो। अरे वो बोन, अरे वो अपने बोन के साथ नीचे ही डूब गया, छोड़ छोड़ो, जाने दो जाने दो। ये मेरे पास तीन बोन्स है, एंड ये काफ़ी है एक उल्फ को टेम करने के लिए। सॉरी नॉट डॉग, इट्स उल्फ, एंड सॉरी वो डॉग नहीं है, वो एक्चुअली में उल्फ है, मुझे पता नहीं था। एंड अब थोड़ा सा मैं अपने फार्म पे काम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं थोड़े से वीट सीड्स जुगाड़ करता हूँ और वहाँ पे लगाता हूँ। मुझे वीट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो ये फार्म मैंने अभी वैसा कुछ सोचा नहीं है, बस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। मैं मेन मुझे बनाना था आज ये नीचे वाला बेस और टॉर्चेस लगाने। ये देखो, ये जॉम्बी कहाँ से आ गया यार, ये क्यों क्यों भाई इधर क्यों आना है तेरा, इतनी इतनी बड़ी। अरे साला, ये केव के अंदर, मैं एक बार गया था इसके अंदर माइनिंग करने के लिए। बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं इसके अंदर, तो अभी मैं इनको अवॉइड ही करता हूँ। एंड आई थिंक यार, ये फार्मिंग के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्पेसिफिकली फार्मिंग पे ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कि मैं किस तरह से अपना फार्म बनाता हूँ, और एनिमल फार्म भी बनाऊंगा। जगह को थोड़ा ये कर दिया, इस जगह को और थोड़ा बड़ा करेंगे, और भी बहुत सारे वीट सीड्स में इकट्ठा करके लाऊंगा, तो साथ में एक अच्छा सा फार्म बनेगा। सो आई नो ये वीडियो बकवास करते करते काफ़ी लंबी हो गई, सो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।